हेलो एवरीवन, आज हम हमारी रीजनिंग की डायरेक्शन की क्लास आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमने डायरेक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन टाइप हमने कर लिया था, अब हम करने जा रहे हैं टाइप वन। टाइप वन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक ही दो क्वेश्चन के साथ ही हम पूरी टाइप को समझ लेंगे किस तरीके से क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। हमें पहले डायरेक्शन का बारे में पता होना चाहिए, हमने कर ही लिया था। हमारी चार डायरेक्शन होती हैं, चार सब डायरेक्शन होती हैं, 90 डिग्री का एंगल उनके बीच में होता है। इस ये 45 डिग्री से ही हम एंगल को जब माप देंगे या कोई डिवाइड करें तो 45 डिग्री एंगल से ही लेके चलेंगे, ठीक है। और जब एक अंदर लेफ्ट बायां राइट दायां, ठीक है, लेफ्ट हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे होगा लेफ्ट, ये हमारा राइट होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एग्जैक्ट हम जब राइट या लेफ्ट मुड़ेंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ेंगे, जब तक हमें कोई एंगल दे नहीं रखा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। ये देखो, इस तरीके से हमें बिल्कुल साफ साफ तरीके से हमें शो हो रहा है कि डायरेक्शन कौन सी कहाँ पे है और किस तरीके से है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे करते हुए चलेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। ए मैन इज वॉकिंग वर्ड नॉर्थ। एक आदमी या कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ दिशा में चल रहा है, नॉर्थ दिशा में चल रहा है, ही वॉक 50 मीटर, वह 50 मीटर उस दिशा में चला है। आफ्टर दिस इसके बाद ही टर्न लेफ्ट, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर इन द एंड। फाइनली इन द एंड अंतिम में या फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, ठीक है। एक आदमी नॉर्थ की तरफ चल रहा है, वह 50 मीटर चला, उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर उसके बाद उसने लेफ्ट मुड़ा एंड 50 मीटर फिर चला एंड अंत में वह राइट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब हमें बताना है कि वह कौन सी दिशा में फेस करके खड़ा है, या कौन सी दिशा में उसका फेस है, या कौन सी दिशा में वह फेस करके चल रहा है। यानी फर्स्ट टाइप हमारा हो गया मूविंग और फेसिंग द डायरेक्शन, यानी किस दिशा में वह डायरेक्शन को फेस कर रहा है या किस दिशा में वह मूव कर रहा है। मान लो हम ऐसे करके खड़े हैं तो यह हमारी कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हमें बताना है। तो देखो, कौन सी दिशा में मैन, ए मैन इज वर्क वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चल रहा था, नॉर्थ की तरफ हमारा ऊपर, ऊपर की तरफ चलेंगे हम, कितना चला है ऊपर की तरफ चला है, कितना चला है 50 मीटर, वह 50 मीटर चला है, फिर क्या है लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ने के बाद कितना चला है 20 मीटर, 20 मीटर मुड़ गया, 20 मीटर चला, टर्न लेफ्ट, आफ्टर दैट टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ने के बाद कितना चला है 50 मीटर फिर चला है, उसके बाद इन द एंड अंत में वह कहां मुड़ा राइट, राइट मुड़ा, राइट किधर होगा, वह इधर जा रहा है तो इधर इसका लेफ्ट होगा और इधर इसका राइट होगा, राइट मुड़ कितना चला है 20 मीटर।
अब वह कौन सी दिशा में देख रहा है, अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, कौन सी दिशा में चल रहा है भाई, वह यहाँ से चला था, तो यहाँ हमारा ऊपर हमारा नॉर्थ, इधर है वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, तो कौन सी दिशा में चल रहा है वो, लेफ्ट यानी नॉर्थ के लेफ्ट में चल रहा है, ठीक है, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या कौन है, वेस्ट, तो कौन सी दिशा में चल रहा है ये, वेस्ट, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट, दो बार ही लेफ्ट, दो बार लेफ्ट मुड़ा है, फिर ठीक है, फिर राइट मुड़ गया। तो मैंने उस दिन इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि जब भी हम जब हमें लेफ्ट राइट लेफ्ट ये कोई राइट दे ऐसे दे रखा है तो लेफ्ट और राइट कैंसल आउट हो जाता है, लेफ्ट और राइट कैंसल आउट होता है, क्यों कैंसल आउट हो जाता है, देखो मान लो हम नॉर्थ दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, फिर हम लेफ्ट मुड़ गए, फिर हम दोबारा से फिर राइट मुड़ गए, तो देखो अब हमारी कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, और इधर भी हमारी कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, तो क्या हुआ, ये इस पे बता रहे हैं, वहां तो नॉर्थ ऊपर ही है, इसमें हम नॉर्थ दिशा में यहाँ चल रहे हैं, नॉर्थ दिशा में यहाँ चल रहे हैं, लेकिन हम टर्न कितने बार क्रॉस किए हैं, दो बार, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, तो इसलिए सेम दिशा में आ गए, तो इसीलिए ये हमारा कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है, कर लोगे, हमारा पहले हम लेफ्ट चले थे, फिर एक राइट मुड़ गया, तो कौन सा बच गया, लेफ्ट, और हमें स्टार्टिंग में कौन सी दिशा थी हमारी, नॉर्थ थी, और नॉर्थ का लेफ्ट में क्या होता है, नॉर्थ का लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ का लेफ्ट में क्या है, वेस्ट, यानी वेस्ट, आंसर क्या आ गया, वेस्ट, आंसर क्या आ गया, पहले हम नॉर्थ में चले, पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और फिर लेफ्ट मुड़ा, तो अब कौन सी दिशा में फेस कर रहा है, वेस्ट ईस्ट में चल रहा है, लेफ्ट राइट, अब कौन सी दिशा में चल रहा है, अब हमें बताना है कि वह एक कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ दिशा में चल रहा था, पहले वो लेफ्ट कुछ चलकर लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर थोड़ा चलकर राइट मुड़ जाता है, फिर थोड़ा चलकर लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर थोड़ा सा चलकर लेफ्ट मुड़ जाता है, तो उसके बाद में हमें बताना है कि वो कौन सी दिशा में फेस किए हुए, वो कौन सी दिशा में फेस कर रखा है, कौन सी दिशा में मूव कर रहा है, हमने आपको बता रखा है लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गए दो लेफ्ट, ठीक है, दो लेफ्ट हो जाते, तो हमने बताया था आपको कि कोई भी दो लेफ्ट कोई भी दो राइट अगर बच जाते हैं तो हमेशा क्या हो जाते हैं, अपोजिट, जो डायरेक्शन दे रखे हैं उसकी अपोजिट हो जाते हैं, हमें कौन सी डायरेक्शन दे रखी है, नॉर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है, अब हम बिल्कुल भी कोई पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी हमें डायरेक्शन हम बस हमें पता होना चाहिए, ठीक है, बता सकते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ से लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट हो गया, और लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट कितने बच गए, दो राइट बच गए, और दो राइट बच गए, दो राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का वेस्ट, क्या नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से हम कर सकते हैं, अकेले नॉर्थ का उल्टा साउथ यानी अपोजिट साउथ डालते ना, वैसे इसका भी हम साउथ ईस्ट, साउथ का पलट दो, ईस्ट का अपोजिट कर दो, वेस्ट, यही सेम डायरेक्शन आ जाए, नॉर्थ वेस्ट, पहले ईस्ट में चल रहा है, फिर क्या लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया, बच गए क्या, दो लेफ्ट बच गए, जब दो लेफ्ट बच जाते हैं तो कहाँ पे होगा, अपोजिट ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट, लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट, टू आर मतलब अपोजिट, अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, कर लोगे, मान लो कोई व्यक्ति गुम हो गया या कोई भी काम करने जा रहा है, वो 300 बार लेफ्ट मुड़ता है, 300 टाइम, ठीक है, राइट मुड़ता है
200 टाइम, ठीक है, और वो नॉर्थ दिशा से चला, तो अब वह कौन सी दिशा में होगा यह हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, देखो एक हमारा होता है फोर लेफ्ट फोर राइट। फोर लेफ्ट फोर राइट का क्या मतलब होता है कि जब फोर बार हम लेफ्ट मुड़ते हैं फोर बार राइट मुड़ते हैं, यानी चार बार अगर हम लेफ्ट मुड़ जाते हैं, फोर टाइम हम राइट मुड़ते हैं, फोर टाइम हम अगर लेफ्ट मुड़ते हैं, तो हमारा क्या होता है सेम डायरेक्शन में हम हमारा फेस हो जाता है। देखो हम राइट मुड़े तो यहाँ से इसका राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, और फोर्थ टाइम राइट नॉर्थ, वापस क्या जाएगा नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोल दोगे सर मुड़ते हम दो बार लेफ्ट तो बार राइट भी होता है, लेकिन इसको हम नहीं लेके चलेंगे। क्यों नहीं लेके चलेंगे, क्यों, इसको जब हम अपोजिट करते हैं तो एक बार क्या दो लेफ्ट लेने पे अपोजिट आएगा, फिर दो दो राइट लेने फिर वही सेम डायरेक्शन आ जाए, इसलिए हम फोर एल का मल्टीपल लेके चलेंगे। पहले तो हम इसको कट आउट करेंगे, लेफ्ट राइट को कट कर लेंगे, 300 में से 200 गए कितने 100, ठीक है, उसको हम चार से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 25, यानी पूरा पूरा कट हो गया, पूरा कट हो गया। इसका मतलब क्या है, हम नॉर्थ में ही चल रहे हैं, वापस हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा पूरा कट जाता है यहाँ कोई रिमाइंडर बचता है, ये तो हमारा होगा उसको हम भागफल बोलते हैं, ठीक है वो है, बट हमारा कोई रिमाइंडर चार को जाएगा तो 25 तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम चार से भाग करेंगे 25 को, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, इसका मतलब क्या है सेम ही डायरेक्शन हमारा आ जाएगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन हमारी आ जाएगी इस डायरेक्शन में, कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में है और वो कम से कम लेफ्ट मुड़ता है 325 टाइम, उसके बाद फिर वो राइट मुड़ता है 200 बार, अगर वह 325 बार लेफ्ट मुड़ता है 200 बार राइट मुड़ता है तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे कई बार बच्चे बोल देते हैं ऑफलाइन क्लासेज में कि सर ये 325 टाइम इतनी बार कैसे कहाँ मुड़ गया, पागल हो गया क्या वो, अरे पागल नहीं हुआ, वो अपने शादी के कार्ड बांटने के लिए गया है तो काफ़ी लोगों के घर में गया तो मोड़ तो बहुत आएंगे ना, तो क्या हुआ लेफ्ट से हम राइट को कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 5-1 बच गया। हम किसको मल्टीपल लेके चलते हैं, चार का मल्टीपल लेके चलते हैं, ठीक है, हमारा ज़्यादा क्या है लेफ्ट, तो हमारा लेफ्ट 125 बच गया, अब इसको चार से डिवाइड करेंगे, चार से डिवाइड करेंगे 12, 4 × 4 उसके बाद हमारा क्या बचा, एक रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या बचा हमारा लेफ्ट, लेफ्ट यानी एक लेफ्ट हम एक हमारा जो लेफ्ट एक हमारा लेफ्ट बच गया है, कौन सी दिशा में थे हम पहले ईस्ट में, तो अब कौन सी दिशा में जो हो जाएंगे ईस्ट का लेफ्ट क्या आ जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट क्या है नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट का लेफ्ट क्या है नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर आ जाएगा, ठीक है कर लोगे, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने। अब हम करेंगे टाइप सेकंड, टाइप सेकंड, फर्स्ट टाइप ने हम टाइप में हमने किया था कि किस दिशा में वो फेस किए हुए है और किस दिशा में वो मूविंग कर रहा है, सेकंड में हमारा स्टार्टिंग डायरेक्शन कि किस दिशा में उसने चलना शुरू किया, कि किस दिशा से उसने चलना शुरू किया, ठीक है। ए मैन मूविंग इन ए डायरेक्शन, ही वॉक स्ट्रेट 50 मीटर एंड टर्न लेफ्ट, एक व्यक्ति एक दिशा में चल रहा है, ई वॉक स्ट्रेट है, वो सीधा चला 50 मीटर एंड लेफ्ट मुड़ गया, आफ्टर दिस ही वॉक 20 मीटर एंड टर्न लेफ्ट, उसके बाद वह 20 मीटर चला एंड लेफ्ट मुड़ गया यानी बायां मुड़ गया,
ही वॉक 50 meter एंड टर्न राइट, और उसके बाद ही वॉक यानी ही वॉक 50 meter एंड टर्न राइट, उसके बाद हुआ है 50 meter चला और दाएं मुड़ गया, ठीक है, एंड ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। इन द एंड वह किसको फेस कर रहा है, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा को फेस कर रहा है। हमें बताना है वी फाइंड इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, ये दिशा में उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, हमें ये बताना है। देखो बच्चों, एक व्यक्ति ने चलना स्टार्ट कर दिया, मान लो कोई भी दिशा, मान लो कोई भी दिशा, ठीक है, वरना हम लास्ट में क्या बता रखे ने कि वह है कौन सी दिशा में पहुंच गया, नॉर्थ डायरेक्शन में यानी उत्तर दिशा में वो पहुंच गया। हमें कोई भी दिशा मान लेनी है, ठीक है, किसी भी दिशा को मान लो आप, मान लो वह ईस्ट में चल रहा था, वह ईस्ट में चल रहा था, उसके बाद में उसने क्या किया, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, हम दिखाना है कौन सी दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया, वह ईस्ट दिशा में चला, ठीक है, वह ईस्ट दिशा में चला, इस दिशा में चलने के बाद वह क्या किया, ही वॉक 50 मीटर स्ट्रेट, वह 50 मीटर स्ट्रेट गया, एंड ही टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट लेफ्ट मुड़ गया, ही वॉक 20 मीटर यानी वह 20 मीटर चला, उसके बाद ही वॉक 50 मीटर एंड टर्न राइट, वह लेफ्ट मुड़ गया एंड 50 मीटर चला यानी 50 मीटर चला, उसके बाद वह राइट मुड़ गया। अब वह किसको फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को, वह कौन सी दिशा को फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को, हमें बताना है कि उसने कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया। तो ये तो रियल में ही नॉर्थ आ गई, कि हम देखते तो ये दिशा कौन सी होती है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इसने चलना कौन सी दिशा से स्टार्ट किया, ईस्ट दिशा में इसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। हम इसको बिल्कुल छोटे से रूप में कैसे देखेंगे, देखो पहले तो हमें बताते थे कि नॉर्थ डायरेक्शन दे रखी है, तो हमें लास्ट में कोई डायरेक्शन बतानी थी, बट अब इसका अपोजिट हो गया, हमें कोई डायरेक्शन बतानी है, पहले कौन सी दिशा में मुड़ा, वो कितने बार लेफ्ट लिया, पहले लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, उसके बाद में उसने राइट लिया और कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच गया, ठीक है, यानी उत्तर दिशा में पहुंच गया। अब हमें क्या करना है, वही सेम रूल, लेफ्ट और राइट को हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बच गया, लेफ्ट, लेकिन अब हम इसको एज इट इज नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, अपोजिट बन गया उसका, तो हम इसको लेफ्ट को क्या किस में चेंज कर देंगे, राइट में, कोई भी जितने कुछ भी बचे हम लेफ्ट को किस में चेंज कर देंगे, राइट में, और नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट, देखो हम नॉर्थ का राइट क्या हमारा, ईस्ट, नॉर्थ का राइट हमारा आंसर क्या आएगा, ईस्ट, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, पूरा, ठीक है, कर लोगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमें डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, ए मैन पहले लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, और फिर राइट मुड़ता है, और कौन सी दिशा में पहुंच जाता है, ईस्ट दिशा में, हमें बताना है कौन सी दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, दूसरे में बताना है, पहले राइट चलता है, फिर राइट चलता है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट चलता है, और फिर लेफ्ट चलता है, हमें लास्ट में पहुंच जाता है कौन सी, नॉर्थ दिशा में, हमें बताना है कि वह कौन सी दिशा में है, फिर हमें दिशा बतानी है, लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक है, अब वह वेस्ट में है, ये तीन क्वेश्चन हमें करने हैं, देखो सेम प्रोसीजर, लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पता इसका मतलब होता है अपोजिट, आपको पता है इसका मतलब अपोजिट होता है, मतलब विपरीत होता है, ईस्ट का विपरीत क्या होता है हमारा, वेस्ट, बट हमें अपना नियम नहीं तोड़ना है,
राइट को हम चेंज करेंगे लेफ्ट में, इसको भी हम चेंज करेंगे लेफ्ट में, टू लेफ्ट, टू लेफ्ट है यानी दो बाएं हैं, तो ईस्ट के दो बाएं हैं, तो इसका ईस्ट का क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट कैंसिल होगा, क्या बच गया, अकेला लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक है। तो पता है आपको, जब हम फोर लेफ्ट या फोर राइट करते हैं तो वो सेम ही डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है, लेकिन हमें हमारा नियम नहीं तोड़ना है, लेफ्ट को हम राइट में चेंज कर, लेफ्ट राइट राइट राइट, फोर राइट आ गया, फोर राइट आ गया, तो फोर राइट आ गया तो क्या हो गया, वेस्ट, सेम डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये क्या है, वेस्ट में इसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो, हमें डायरेक्शन बतानी है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट और राइट, और अब वह है नॉर्थ दिशा में, यानी उत्तर दिशा में है, तो क्या आएगा, कौन सी दिशा से उसने चलना स्टार्ट किया, तो लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मैंने एक बात बताई हमेशा, थ्री लेफ्ट वन राइट, थ्री राइट इक्वल टू वन लेफ्ट, देखो ये कंसेप्ट आपको मैंने पहले ही बताया, एक बार राइट मुड़ेगा, फिर राइट मुड़ेगा, फिर राइट मुड़ेगा, इससे अच्छा एक बार लेफ्ट मुड़ जाए, ठीक है, एक बार लेफ्ट, दो बार लेफ्ट, फिर लेफ्ट, एक बार राइट, ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल ही हमें जल्दी क्वेश्चन निकालने में हमारी हेल्प करेगा। देखो तुम्हारे यहाँ तीन क्या बच गए, लेफ्ट, लेकिन इसी का नहीं करना है, हमें डायरेक्शन स्टार्टिंग से बतानी है, अगर हमें स्टार्टिंग में डायरेक्शन दी हुई होती, ठीक है, मान लो नॉर्थ दी हुई होती, ठीक है, बाद में बताना होता हमें कौन सा डायरेक्शन है, हम क्या करते, तीनों लेफ्ट है, इसका एक राइट आ जाता है, और राइट हमारा एक राइट में कहता है ईस्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन नहीं, हमें अभी अपोजिट में है, तो क्या है, इसको हम चेंज करेंगे, राइट राइट राइट, चेंज कर लिया, और तीन राइट होते तो वहां क्या, वन लेफ्ट, और वन लेफ्ट है तो हमें क्या देता है, नॉर्थ, नॉर्थ का क्या जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, अब उसने वेस्ट से चलना स्टार्ट किया।